फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई ट्रिक जिसके मदद से आप अपने डायरी पैड पर लगा सकते हैं अपनी खुद की इमेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ साकिब मौलानी और आप देख रहे हैं एसएम टेक्नोलॉजी। इस ट्रिक के लिए आपको कॉन्टैक्ट अस एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये दो एप्लीकेशन वहाँ पर मिल जाएंगी। आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ोन उसके इंस्टॉल करते ही साथ ही आ जाएगा। तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी आपको परमिशन मांगता है उसे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऊपर डॉट दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायल पेड़ा खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको ये जो थ्री डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग के बाद पर्सनलाइज सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको डायल पैड बैकग्राउंड यहाँ पे है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से गैलरी में से हम जो भी इमेज आपको ऐड करनी हो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे आप सेट कर सकते हैं कि आपको इमेज कैसी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप अपने डायल पैड पर अपनी खुद की इमेज ऐड कर पाएंगे। कॉल लॉक पर भी इमेज ऐड करनी है तो आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से सेटिंग के बाद आपको पर्सनलाइज सेटिंग, यहाँ पे देखिए कॉल लॉक बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप गैलरी में जाइए, गैलरी में से आप जो भी चाहे वो इमेज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारी इमेज सेट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ डायल पैड पे ये वाला है। यहाँ से आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉल लॉक पर भी आपको इमेज दिखाई देगी। इस तरह से आप डायल पैड और कॉल लॉक पर भी इमेज ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।